प्रभु राम का जो अयोध्या नगरी बन रही है प्रभु राम जी की, तो हमारा बहुत मन है कि हम वहाँ की हरियाली में कुछ योगदान दे सकें। पीपल बाबा का, हमारी टीम का, गिव मी ट्रीज ट्रस्ट का, हमारे संस्थान का, और हमारे साथ जो 15,000 लोग जुड़े हुए हैं भारतवर्ष में, एक्टिव वॉलंटियर्स हैं, हम चाहेंगे कि हम सबका योगदान रहे अयोध्या नगरी में, हम वहाँ की हरियाली में, वहाँ के पीपल के वृक्ष, वहाँ पे हम पीपल के वृक्ष लगा पाएँ, हम वहाँ पे बरगद लगा पाएँ, वहाँ पे हम अनेक प्रकार की विविध स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हम लगा सकें, ताकि वहाँ पर भी प्रभु राम नगरी में पक्षी, स्मॉल मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, है ना, एक विविधता हो, बायोडाइवर्सिटी हो ऑफ फ्लोरा एंड फौना। बहुत मन है और बस ऐसा है, हम तो खुद हनुमान जी के भक्त हैं और आशा करते हैं प्रभु राम हमारी प्रार्थना सुनेंगे और अयोध्या नगरी में हम हरियाली अपनी तरफ से जितना भी हो सके हम हरियाली क्रिएट करना चाहेंगे। देखिए, प्रभु राम जो थे उनको 14 साल का वनवास हुआ था, वो भी तो 14 साल वनों में रह के आए थे, वो भी जंगल में रह के आए थे, है ना, और उन्होंने तो भारत, पूरे भारत का भ्रमण किया, यात्रा की, अयोध्या नगरी से लेके लंका तक, लंका से फिर पैदल वापस गए, तो उनके, मेरा ख्याल से उससे ज़्यादा उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अयोध्या नगरी में एक प्रभु राम के नाम से एक बहुत विशाल एक वन बनाए, प्रभु राम वन हो वहाँ पे, और वहाँ पे जब टूरिस्ट आए, वहाँ पर श्रद्धालु आए, और उस वन की ऐसी गरिमा हो, वो मैं समझा नहीं सकता। मतलब वहाँ पर बड़े बड़े वटवृक्ष हों, बड़े बड़े पीपल हों, बरगद हों, है ना, तो ऐसा लगे कि बस कई हज़ारों साल पहले हम पहुँच गए, जैसे हनुमान जी की अभी वानर सेना जो है ना जाने कौन से वृक्षों से नीचे उतर कर आ जाएगी, ऐसा कुछ हो। और उस हरियाली क्रांति में, उस वन क्रांति में हम सब लोग अपना योगदान देना चाहते हैं, और हमें अगर मौका मिले, हमें किसी से पैसे की कोई उम्मीद नहीं है, हम नहीं चाहते, हम कैपेबल हैं, हम पूरी ताकत लगा देंगे, और हम चाहते हैं कि प्रभु राम की अयोध्या नगरी में बहुत सुंदर हम वन भी बनाएं, और वहाँ के सड़कों पे, वहाँ के पार्क्स में जितनी हरियाली क्रिएट कर सकते हैं हम वो करें, बस एक मौका मिलने की बात।